CS में आप 37 काम किए हो, खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे मौका दिया कि आपके दरमियान आके खुदा के कलाम को पहुँच सकूँ। और ख़ास तौर पर मैं अपने भाई दोस्त कामरान खान का, उनकी फैमिली का और उनकी सारी पैरिश का, उनकी इसका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मसलों को स्पॉन्सर किया करके अपने हिस्से में खिदमत का मौका दिया। खुदा के नाम से पहले मैं थोड़ा सा तारुफ अपना बड़ा तारुफ मेरा इतना लंबा चला नहीं है। तीस सात आदमियों का अपराधी आमिर खान मेरा नाम है। पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट शहर जो पाकिस्तान में आए रहे हैं वो जानते हैं इस इदारे को। खतों किताबों के जरिए से खुदा के कलाम को जो है वो घर तक लोगों की तहवीज तक पहुँचाता है। कॉरेस्पॉन्डेंस से जैसे बातें हैं और खुदा के फजल से ये 1975 से ये शुरू हुआ और पहले एक सेंटर था, फिर आज से 5 सेंटर्स में हैं पूरे पाकिस्तान में, कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर। 5 सेंटर्स हैं जो खुदा के कलाम को न सिर्फ मसीहियों में बल्कि हर कौम और हर कबीले, हर जुबान में जो है वो लोगों तक जो है उनके घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो खुदा का कलाम पहुँचाते हैं। और खुदा के फजल से इस सब जो लोग हैं हमारे पास हर रिलीजन से मुस्लिम, हिंदू, सिख और क्रिश्चन जो हैं वो तकरीबन 4000 जो हैं वो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और 40 के करीब हमारा स्टाफ है। और जो KPK को डील करता है, खैबर पख्तूनख्वा जो जदीद नाम है उसका, पहले NWFP के नाम से आप जानते होंगे, अभी KPK के से वो है। और इसको जो सेंटर डील करता है पेशावर डील में, वहाँ पर एज ए प्रीस्ट इंचार्ज जो है, एज ए प्रिंसिपल जो है वो खिदमत करता हूँ। और हमारे पास जो है वो 349 जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, इसमें 180 मुस्लिम हैं, हिंदू हैं और सिख हैं, बाकी क्रिश्चियंस लोग हैं। इसके लिए जो हमें जो जिस तरीके से हम काम करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें डोनेशंस मिलती हैं, लोग अपनी टाइट्स, हदिया जात और शुक्रगुजारियाँ हैं वो हमें भेजते हैं, जिनके ज़रिए से हम लिटरेचर खरीदते हैं, बाइबल्स, न्यू टेस्टामेंट्स, ओल्ड टेस्टामेंट्स और इससे रिलेटेड और जो बुक्स होती हैं बिब्लिकल बेसिस होती हैं उनको लेके, फिर जो कोर्सेज हमारे पास 21 कोर्सेज हैं जो तकरीबन 3 साल के अरसे में जो है वो एक तालिबे इल्म जो अगर रेगुलर है तो वो करता है, और एक साल में एक स्टूडेंट पर जो है वो तकरीबन 4000 जो है एक्सपेंस वो करते हैं। और ये सारा हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये सब लोगों की हदियाजात से और शुक्रगुजारियों से, हमें कोई फॉरेन फंडिंग या इस तरह से नहीं है जो रेगुलर बेसिस पे हो। तो आपके लिए गोशगुजार ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट को या स्कूल को याद रखें अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर, ताकि लोग जो हैं वो इस इदारे के वसीले से जो है वो बरकत पाए। बहुत से लोग हैं, बहुत सी टेस्टिमनीज़ हैं जो गैर मसीहों से हम तक पहुँचती हैं और हमें मुश्किल हालात में भी, आप जानते हैं KPK का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका के बहुत सख्त है, बंजर है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है अंजील के हवाले से, क्रिश्चियंस के हवाले से, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि थ्रेट्स के बावजूद भी, किलिंग थ्रेट्स के बावजूद भी खुदा ने अभी तक हमें ज़िंदा रखा है। 2 अटैक्स हम पर हो चुके हैं लेकिन खुदा ने हमें महफूज रखा है। ये सब आपकी दुआएं हैं, खुदा आइंदा भी जो है वो हमें महफूज रखे। और आपसे भी गुजारिश है कि अपने हदियाजात और शुक्रगुजारियाँ जो हैं वो इस इदारे को आप जो है वो दे सकते हैं। दूसरी जो मेरी छोटी सी खिदमत है, सेंट जॉन्स कैथीड्रल चर्च डायसिस ऑफ पेशावर में मैं एज ए वॉलंटियर
जो है वो खिदमत करता हूँ, और कोई वहाँ पे यानी मैं उनके रोल कॉल पे नहीं हूँ, लेकिन एज ए वॉलंटियर बिशप साहब ने जो है वो मुझे वहाँ पे खिदमत के लिए रखा है। एक और छोटी सी खिदमत है, मैं पास्टर साहब से जिक्र कर रहा था, ये फायर बाइबल है, फायर बाइबल इंग्लिश में ये है, इसकी बाइबल सोसाइटी के वसीले से और असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का एक प्रोजेक्ट था जिसमें खुदा ने मुझे जो है वो स्टडी बाइबल है ये एज ए ट्रांसलेटर जो है उर्दू में जो ट्रांसलेशन के लिए इसने इस्तेमाल किया है, और अप्रैल में इसकी ओपनिंग हुई है। ये बहुत अच्छी स्टडी बाइबल है, अभी मे भी यहाँ पे तो नहीं आई लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल है। पास्टर साहब के लिए हमारे पास एक गिफ्ट है, वो मैं दूंगा, आप जरूर अगर आपको कोई डिमांड हो तो पास्टर साहब को बता सकते हैं, मैं भेज सकता हूँ, लेकिन ख़रीद के भेज सकता हूँ। तो इस ये मेरा छोटा सा तारुफ था, और आपसे दरख्वास्त है कि मुझे भी और मेरे स्टाफ को भी अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि ऐसे इलाके में जहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है वहाँ पर खुदा मुझे और मेरे स्टाफ को इस्तेमाल करें, और बहुत से लोग हैं वो बरकत पाएँ। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि यर्मिया का जो मतन आपके सामने पढ़ा गया मैं दोबारा से पढ़ दूँ। खुदा उनके कलाम में लिखा है अहद अतीक में से, यर्मिया का सहीफा उसका पहला बाब पहली आयत से, यर्मिया बिन खिलकिया की बातें जो बिन्यामीन की ममलकत में अंतूती कहनों में से था, जिस पर खुदावंद का कलाम शाह यहूदा यूसिया बिन अमून के दिनों में उसकी सल्तनत के 13वें साल में नाजिल हुआ। शाह यहूदा यहूयकीम बिन यूसिया के दिनों में भी शाह यहूदा सिदकिया बिन यूसिया के 11वें साल के तमाम होने तक, अहले यरूशलेम के असीरी में जाने तक जो 5वें महीने में था, नाजिल होता रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे वतन में खलक किया मैं तुझे जानता था, और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद, देख मैं तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुँह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुँह में डाल दिया, देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्र किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लिगाए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीजों, खास स्वीडन में है या पाकिस्तान में या दुनिया में, इलेक्शन से हम बखूबी वाकिफ हैं कि हम एक ख़ास वक्त में, ख़ास दिनों में अपने इलाके के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने दिल के मुआफिक जो है वो बंदे को वोट के लिए उसका इंतखाब करते हैं, उसका चुनाव करते हैं, ताकि वो मुंतखब होकर, उसका इंतखाब जब हो जाए तो वो असेंबली में जाकर हमारे बिहाफ पर बात कर सके। हम अपनी ख्वाहिश से उसका, अपनी पसंद के बंदे का जो है वो इंतखाब करते हैं, उसको चुनते हैं ताकि वो असेंबली में जाए और हमारे बिहाफ पर जो हमारे मामलात हैं, जो हमारी ज़रूरियात हैं या जो हमारे मसाइल हैं, उनके हल के लिए वो हमारे बिहाफ पर बात करें। ये जो मतन दोनों हवाला जात यूहन्ना की जील से और यर्मिया के सहीफे से आपके सामने
तलावत किए गए हैं, ये भी हमारा ध्यान एक चुनाव की तरफ और एक इंतखाब की तरफ जो है वो लगाते हैं। लेकिन यहां पर कोई ख्वाहिश या पसंद का वो अंसर नहीं है, बल्कि यहां पर खुदा जो है वो डायरेक्ट जो है उसने ये नहीं देखा कि ये छोटा है या बड़ा है, कमजोर है या पहलवान है, बल्कि खुदा जो है वो जब यर्मिया का इंतखाब करता है, और मैं बताना चाहूंगा कि यर्मिया जो है खुदा के कलाम के मुताबिक, जैसा कि मैंने पढ़ा भी, कि जवान था, खूबसूरत था, और अंतुती कहनु, और अंतूत का जो इलाका था वो शुमाल और मशरक, यरूशलम के शुमाल और मशरक में 4 मील के फासले पर था, और कहनु के घराने से ताल्लुक रखता था, और कहनु में उसने वो जो है था वो परवरिश पा रहा था, जवान हो रहा था, और वो सारे कहनों की और की खिदमत से और सारे अदब व अदायब से जो था यर्मिया वाकिफ था। अब खुदा जो है यर्मिया को अपने खिदमत के लिए जो है वो चुना चाहता है, और उस वक्त के जो जब यर्मिया को खुदा ने चुना, उसका इंतखाब किया, उसको बुलाया, तो उस वक्त जो उस वक्त यरूशलम के उस वक्त 2 सल्तनतें याद रखें, उनका तकसीम हो चुकी थी, शिमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत, ये 2 हिस्सों में जो थी वो तकसीम थी, एक में 2 थे, एक में 10 कबीले थे। तो उस वक्त जो बैरूनी उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी बनी इसराइल के ममलकत की, एक तरफ असूर था, वो आर्मी ताकत थी, दूसरी तरफ बाबल था, बाबल भी उस वक्त आर्मी ताकत थी, और तीसरी तरफ जो था वो फारस जो आज मौजूदा ईरान है। ये 3 बड़ी ताकतें जो थी आलमी ताकतें रह चुकी थी, और किसी ना किसी तरीके से ये यहूदा और यरूशलेम पर जो थी वो हमले करती थी, उनको बर्बाद करती थी, उनको कैद करके अपने मुल्क में ले जाते थे, ये सोचते। और उस वक्त बनी इसराइल जो थे वो एक खौफ में रह रहे थे कि 3 बड़ी ताकतें जो हैं उनको घेरे हुए हैं, और जो उनके अंदरूनी हालात थे बनी इसराइल के, बनी इसराइल जो थी वो अखलाकी और धीमी गिरावट का शिकार थी, बेरा रवि का शिकार थी, उन्होंने खुदा को जो था वो तर्क कर दिया था, खुदा को की तरफ से अपना चेहरा जो है वो फेर कर उन्होंने अपनी रविशें जो हैं, अपनी राहें जो हैं वो इख्तियार कर रखी थी, और खुदावंद का खौफ उनके दिलों में और जहनों में नहीं था, वो अपने काम काज में जो थे वो महर थे, लेकिन खुदा की तरफ उनका ध्यान नहीं था। अब ऐसी सूरत हाल थी, सियासी तौर पर वो खौफ थे, खाइब थे, अंदरूनी हालत जो थी वो खोखली थी। अब ऐसे हालात में खुदा जो है वो यर्मिया को बुलाता है कि देख मैंने तुझे, कि जब तू माँ के पेट में, इससे पहले कि मैं तुझे खलक करता मैंने तुझे मुकर्रर किया है। अब ऐसे हालात में खुदा जो है वो यर्मिया को अपनी खिदमत के लिए बुलाता है। खुदा जो है, जो सबसे पहला मैं पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो यही है कि खुदा अपने मकसद की तकमील के लिए लोगों को जो है वो बुलाता है, कॉल करता है। अब यर्मिया बाइबल मुकद्दस में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे अंबिया हैं, बहुत से ऐसे खुदा परस्त लोग हैं जिनको खुदा ने डायरेक्ट जो है वो बुलाया और उनको कॉल की और उनको मुंतखब किया ताकि वो उसके मकसद की तकमील के लिए, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए लोगों के पास जाएं, बादशाहों के पास जाएं, ममलकतों के पास जाएं। इसमें हमें सबसे पहले इब्राहिम की मिसाल मिलती है कि इब्राहिम जब जिस मुल्क में रह रहा था, कस्तियों का ऊर यानी बुतों का घर था, वहां बुतों की प्रस्तिश होती थी, गैर अकवाम रहती थी, पूजा की जाती थी। अब इब्राहिम को जो है वो खुदा कहता है कि तू अपने बाप के घर से अपने नातेदारों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर क्या कर उस मुल्क में जा जिसमें, जिसको मैं तुझे दिखाऊंगा। खुदा इब्राहिम को उस ऊर से, उस कस्तियों के ऊर से, बुतों के घर से जो है वो उसका इंतखाब करता है और क्या कहता है कि लोग यानी दुनिया की कबीले जो हैं वो तुझसे बरकत पाएंगे। खुदा इब्राहिम को बुलाता है। और मेरे अज़ीज़ो, मैं यहाँ पर वादे करना चाहता हूँ कि
अब देखने में तो ये है कि अब्राहम चल पड़ा, अपना सामान लिया, जो कुछ भी उसने लेना था साथ चल पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो देखने की बात है वो ये है कि मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ वो ये है कि सबसे मुश्किल जो है अपने माँ बाप का घर, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना और चाहे पैदाइश को छोड़ना, ये सबसे मुश्किल बात है। कोई इस जगह को छोड़ेगा भी तो बड़ी मुश्किल से छोड़ेगा, वो हमेशा उसके ज़हन में रखें। अब जब खुदा ने इब्राहिम को कहा कि तू अपने मुल्क को छोड़ दे, अपने बाप दादा को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, तो हो सकता है कि उसके जहन में भी अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी मिसाल ये है कि जब हम अपने बेटे या बहन की शादी करते हैं तो जब रुखसती होती है ना, तो हमें ना चाहते हुए भी हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्यों आंसू आ जाते हैं? हमें हालांकि हमें पता होता है कि हमें सुबह फिर इससे मिलना है, हमारी मुलाकात इससे दोबारा होनी है, लेकिन वो जो रिश्ते की मोहब्बत हमारे दिलों में खुदा ने डाली हुई है वो हमें रोने पर मजबूर करती है। इब्राहिम को भी इस रिश्ते की मोहब्बत को हो सकता है कि उसके कदम रोके हों, लेकिन वो खुदा की तामील के लिए, हुक्म की तामील के लिए वो अपने घर को जो है वो छोड़ देता है और खुदा के हुक्म की तामील करता है। इब्राहिम को खुदा ने चुना, वो इब्राहिम जो है वो कौमों के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसने कहा था कि कौमों कबीले जो हैं वो तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। जब हम आगे जाते हैं तो मूसा को खुदा ने कॉल किया, वो कहता है, खुदा क्या कहता है उसको, मूसा को उसके तीसरे बाब में कहता है कि बनी इसराइल का रोना जो है, कराना जो है, वो मूसा तक पहुंचा है, और जो मिस्र के लोग हैं, जो मिस्रियों का जुल्म है, जो वो उन पर बेगार करते हैं, मैं